कांवड़ मेला अपने चरम पर पहुंच चुका है क्योंकि इस दौरान ऐसा माना जाता है कि पंचक के दौरान कांवड़िए कम गंगाजल उठाते हैं। वहीं आज सुबह से ही जैसे पंचक खत्म हुए लाखों की तादाद बढ़नी शुरू हो गई। इसी को लेकर हरिद्वार के एसपी ने भी यात्रियों के लिए रूट डायवर्ट निर्धारित किया है। जो लोग हरिद्वार आना चाहते हैं उनको अब हरिद्वार बस स्टैंड की जगह उनके लिए ऋषि पुल में बस स्टैंड बना दिया गया है। इसी तरह से देहरादून और मुरादाबाद बिजनौर के रास्ते आने वाले यात्रियों को भी अलग अलग जगह डायवर्ट किया गया है। आज मौसम भी सुहाना नजर आ रहा है जिसके चलते कांवड़िए लगातार अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। ट्रैफिक डायवर्जन का जो सेकंड फेज है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो हमारे तीन बस स्टेशन जो बनाए जाने थे जिसमें देहरादून की चंडीगढ़ साइड से जो भी गाड़ियां हिमाचल से आ रही हैं उन्हें मोतीचूर बस स्टैंड पर लाया जा रहा है और वहीं से ही वो गाड़ियाँ जाएंगी। इसी क्रम में जो दिल्ली या मेरठ से जो भी बसें हैं रोडवेज की बसें हैं उनको ऋषिपुल पर लाया जा रहा है और वहीं से वो अपनी जो सवारियां हैं उतार कर वापस जाएंगी। साथ में जो लखनऊ मुरादाबाद इधर साइड से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको नजीबाबाद के थ्रू आते हुए हमारा नीलधारा पार्किंग में आएंगी और वहीं से वापसी करेंगी। तो ये तीन नए जो स्टेशन हैं वो अभी आज से ऑपरेशनल किए गए हैं और इसके बाद जो थर्ड प्लान है वो 28 से हमारा जो पूर्ण डायवर्जन का है वो लागू किया जाएगा। इसमें मैं सभी यात्रीगण जो भी यहाँ आ रहे हैं उनको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि ये जो डायवर्जन प्लान है उसको जरूर देख लें और हमारे हरिद्वार पुलिस की जो साइट है उसको एक बार जरूर देखें। उसमें हमारे जो डायवर्जन प्लान है वो ऑलरेडी उसमें इंगित किए गए हैं, उसी को देख के यात्रा आगे कर प्रारंभ करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम है, बढ़िया लोग यहाँ के हैं। हरियाणा गुड़गांव से हम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था है, अच्छा व्यवस्था कर रखी है जी, बहुत बहुत पूरी तरह से सहयोग कर रही है।